हम सब लोग जब सुबह काम पर जाते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि शाम को घर आएंगे या नहीं आएंगे। ऐसे ही कुछ अंधे लोग पिछले 13-14 सालों से अपनी जान दांव पर लगाकर रेलवे पटरी क्रॉस करते हैं और उनके लिए रेलवे सरकार ने कोई ब्रिज नहीं बनाया है। इधर ब्रिज तो अभी मेरा 13 साल हो गया। सब लोग बोलते हैं रेलवे जब ऑर्डर लेगा तभी होगा और रेलवे के हिसाब से ये कोई कर नहीं सकता है। तो मुझे बताइए कि जब आप ये पटरी क्रॉस करते हैं तब आपको कौन कौन सी परेशानियाँ आती है, कौन कौन सी दिक्कतें आती है? दिक्कतें यही है, यहाँ पे जो ट्रेन के मतलब ट्रैक पे जो खड़ी रहती है मालगाड़ी, उसके वजह से हम इधर से आ नहीं सकते क्योंकि नीचे से आना हमको मुश्किल होता है आने के लिए। मालगाड़ी खराब रहेगा और ट्रेन आता है तभी हम लोग को रुकना पड़ता है, दोनों के बीच में धक्का लगने का ज्यादा संभावना रहता है। मुझे बताइए आप कभी यहाँ पे गिरे हो या कुछ दुर्घटना हुई है आपके साथ में यहाँ पे? चढ़ते समय हुआ है ना, ट्रेन के अंदर से ऐसा ना भीड़ रहता है तो ना चढ़ने के लिए मिलता नहीं, तो एक पाव अंदर एक पाव नीचे, तो ना गाड़ी छोड़ते समय गिरा है। कभी कभी लोकल नहीं तो मेल अपने एक्सप्रेस में उसके ताल में वो आ जाता है तो कभी आपके जैसा अगर चिल्लाए कि भाई रुको अभी गाड़ी आ रहा है तो हम रुक जाते, हम मरते मरते भी बचते तो कोई तो तुम्हारे जैसा ऐसा खींच लेता है हमको, तो ये ऐसा होता है बहुत बार। एक बार ऐसा ही मैं क्रॉस कर रहा था और इधर से मेल आने के लिए और मैं पटरी में आने के लिए एक साथ में ही हुआ था वो, लेकिन मैं पीछे हट गया तभी बच गया। मतलब पब्लिक ने चिल्लाया? हाँ, पब्लिक चिल्लाया और मैं भी दे आवाज सुना ना उसका, आवाज सुनने के बाद मैं पीछे हट गया। तो मुझे बताइए चप्पल क्यों नहीं पहनते पैर में? रास्ता जो है अभी खरबड़ी थे, स्मूथ नहीं है। किनारे पे जो अपने रेलवे जो ट्रैक है उसके किनारे पे जो ये है ना खरबड़ी ऐसा जो लगता है पैर में और जो अंदर आएगा तो एकदम स्मूथ लगता है। इसके लिए पैर में नई चप्पल रहेगा तो मालूम पड़ता है कि अपन किनारे पे जा रहे हैं इसके लिए। तो मुझे बताइए दीदी कि आपके साथ में ऐसी क्या घटना हुई थी जो आपको आपका हाथ गंवाना पड़ा? जब मैं घर के बाहर निकलती ना तब उधर कोई नहीं थे तो अकेले क्रॉस करना पड़ता था ना क्या पटरी। जब मैं अकेले क्रॉस करने लगी तब पटरी के अंदर मेरा पाँव फंस गया तो इसलिए मैं गिर गई। गिरने के बाद कभी ट्रेन आई वो मुझे पता नहीं हो गया। एक तो आप तो नहीं थे, ये तो पहली बात, बाद में हाथ था वो ही मैं गवा के चुक गई। कई लोग आए कई लोग गए मुलाकात लेके पर लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं मेरे ऊपर। जो सरकार बोलते थे हम अपंग लोगों के लिए हम ये करते वो करते लेकिन उसके ऊपर कोई असर है क्या? तो लेकिन सरकार ने यही कहना है कि उन्होंने ब्रिज की व्यवस्था कर देना चाहिए। वांगनी एक ऐसा गांव है वहाँ पर 350 अपंग लोग रहते हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर रोज रेलवे पटरी क्रॉस करते हैं और इस बात को रेलवे प्रशासन अनदेखा कर रही है। मैं चाहता हूँ कि इनके लिए ब्रिज बने और प्लेटफॉर्म पे एक इंडिकेटर लगे कि आवाज़ करने वाला, ताकि उन्हें पता चले कि यहाँ यहीं पे ही अपंग लोगों का डब्बा है। मुंबई वांगनी से अमोल लाल जरे, इंडिया नड के लिए।